तीसरा जो टॉपिक है वो ये है कि अपने आप को रीडिज़ाइन करना चाहिए पीरियोडिकली। ठीक है, मैं ये कहता हूँ और उसको अमल भी करने की कोशिश करता हूँ उस पर कि एवरी 3 to 5 years अपने आप को रीडिज़ाइन करना चाहिए। रीडिज़ाइन से क्या मुराद है? रीडिज़ाइन से मुराद ये है कि अपने आप को डिसअसम्बल करें, ठीक है, अपने हिस्से बकरे अलग करें, दिमाग अलग करें, दिल अलग करें, सारे कुछ अलग अलग करें और इसको ज़रा फिर ज़रा इसको साफ़ सुथरा करके इसको रीअसम्बल करें किसी डिफरेंट पैटर्न के ऊपर। ये रीडिज़ाइन है बेसिकली, री इन्वेंटिंग। यस, यू आर राइट, एनवायरमेंटल चेंजेस भी हैं। फॉर लेट मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी बैंकों में कंप्यूटर आया, उससे पहले तो खाते हाथों से लिखे जा रहे थे ना, बड़ी बड़ी लेजरें पड़ी होती थी इस साइज़ की। मैं बैंक में कभी काम नहीं किया, बैंकों वालों से मेरी दोस्ती बड़ी रही है, तो मैं उनके बैंक में जाके उनके लेजर भी लिख देता था बस उनके पास बैठ के। तो जब ये कंप्यूटर आया तो बहुत सारे बैंकों के लोग हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, दे ऑप्टेड टू लीव द जॉब। अच्छी भली जॉब्स कर रहे थे, सीनियर लोग थे, उन्होंने जॉब्स छोड़ दी अपनी, घर बैठ के पैसे ले लिए बैंक से, रिटायरमेंट ले ली, गोल्डन शेक हैंड ले लिया, कुछ भी कर लिया, नहीं भी मिला गोल्डन शेक हैंड तो वैसे ही छोड़ दी, सिर्फ इस दुख से कि जी हम कंप्यूटर नहीं चला सकते। सीखने की कोशिश नहीं की उन्होंने, ठीक है। ये है प्रॉब्लम विद रीडिज़ाइनिंग जो नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है उसकी। हालांकि मतलब कौन सा उन्होंने कोई बड़ी को प्रोग्रामिंग करनी थी और उन्होंने कोई बड़ा कोई लिख ही देना था, सॉफ्टवेयर ही ईजाद कर देना था, उन्होंने तो काम ही करना था ना। और ये यूज़र फ्रेंडली होते हैं नॉर्मली तो सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ हो रहे होते हैं, बट दे ऑप्टेड आउट एक्चुअली। ये हमारा खौफ है रीडिज़ाइन करने से अपने आप को, हम अपने आप को छेड़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं हम जैसे बन गए, अल्लाह मियाँ ने बना दिया हमें, अब किसी की मजाल नहीं है कि हमें तब्दील करे और हमारी भी मजाल नहीं है कि हम अपने आप को तब्दील करें। What I mean by redesigning is कि अपने आप को बाकायदा redesign करें, झाड़ पहुँच नहीं, विंडो ड्रेसिंग नहीं कि इधर उधर से डस्टिंग कर ली ज़रा अंदर से वैसे के वैसे ही रह गए, ऐसे नहीं है। redesigning mean मैंने इसलिए कहा कि अपने आप को disassemble करें और reassemble करें और देखें कि कौन से skills हैं जो आपको नहीं आते, for example वो आप सीख लें, फिर नहीं आते तो। ये concept भी बड़ा powerful concept है redesigning का। अभी वो एक ये खातून है डोरी क्लार्क के नाम से, शी राइट्स इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, आई हैड बीन फॉलोइंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली। फिर उसने कोई 2016 में एक कोर्स उसने ऑफर किया रिकग्नाइज एक्सपर्ट का। शी इज़ अ स्पीकर, शी इज़ अ स्ट्रेटजिस्ट, शी इज़ अ आई मीन टीचर ऑल्सो समवेयर, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाती भी है। चूँकि उसके आइडियाज़ अच्छे होते हैं तो आई हैड ऑल्सो बीन फॉलोइंग, उसकी मेलिंग लिस्ट पर मैं भी था उसकी। तो डोरी क्लार्क ने ये कोर्स ऑफर किया 2016 में कि जी आप जिस फील्ड में भी हैं, जो भी आपका ट्रेड है, उसमें आप रिकग्नाइज कैसे हो सकते हैं, इसके ऊपर एक कोर्स उसने ऑफर किया। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए आप फ़र्ज़ कीजिए लेट से आप क्वालिटी मैनेजमेंट में हैं कहीं पे, आप टीचिंग में हैं, आप बैंकिंग में हैं, आप वेर एवर यू आर, सेलिंग में हैं, मार्केटिंग में हैं, रिकग्नाइज कैसे हों कि आप वाकई एक्सपर्ट हैं, इस पर यह कोर्स था बेसिकली। जब उसने पायलट ऑफर किया तो इट वॉज़ ए पायलट डिस्काउंटेड प्राइस, जो मैंने नहीं ऑप्ट किया अनफॉर्चुनेटली। मैं कुछ सोचता ही रह गया, उसकी डेट निकल गई, मैंने उसको ऑप्ट नहीं किया। फिर उसने वो पायलट चूँकि अच्छा गया, उसका सक्सेसफुल रहा, लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको, सो फिर उसने फुल कोर्स ऑफर किया। सो फिर मैंने पूरे पैसे दिए, फिर आई पेड $2,000 फॉर दैट कोर्स एंड आई डिड दैट कोर्स एक्चुअली। आई एम पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी फॉर एवर फॉर लाइफ एक्चुअली, रिकग्नाइज एक्सपर्ट्स की जो कम्युनिटी है। और उसमें अब उसके बाद एक और कोर्स हुआ, फिर एक और बैच आया है उसमें, देर अमेजिंग पीपल। आप उसको उनमें उनकी गुफ्तगू देखें जो कुछ वो कर रहे हैं, यू कैन नॉट इमेजिन, हम तो कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आई मीन देर ऑथर्स, देर स्पीकर, देर स्ट्रेटजिस्ट, पता नहीं क्या कुछ किए चले जा रहे हैं लोग, और ऐसी ऐसी चीज़ों पर किए चले जा रहे हैं जो हम यहाँ पर सोचते भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक खातून है उस ग्रुप में जिनका सारा काम इसके ऊपर है कि जिनके फ़र्ज़ कीजिए किसी स्पाउस की डेथ हो गई, ठीक है, तो अब उन्होंने उस ग्रीफ को हैंडल कैसे करना है, फैमिली ने और उसने खुद ने, पार्टनर ने और फैमिली ने कैसे हैंडल करना है, वो इसी के ऊपर काम किए चली जा रही है। कम्युनिटी है, कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, फ्री काम है, वॉलेंट्री है, वट एवर इट इज़। पर ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है।
बड़ा बड़ा काम लोग कर रहे हैं. इट्स एन अमेजिंग कम्युनिटी. आई एम ए पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. मैं तो खैर उसमें कहीं भी नहीं हूँ शुमार के तार में, लेकिन रिकग्नाइज एक्सपर्ट. उसके ये खातून जो हैं डोरी क्लार्क, इसने तीन किताबें लिखी. पहली इसकी किताब थी स्टैंड आउट के नाम से, जिसमें उसने एक क्वेश्चनर भी दिया कि जी आप इसको फिल करें तो आपको समझ आएगी कि आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं. दूसरी किताब आई थी री इन्वेंटिंग यू, कि अपने आप को री इन्वेंट कैसे करना है. और थर्ड फिर अभी रिसेंटली आई थी, रिसेंट तो नहीं खैर 2017 में आई है, लेट 2017 में, एंटरप्रेन्योरियल, कि आपने अपनी जो भी एक्सपर्टीज है उसको मोनेटाइज कैसे करना, उसे पैसे कैसे बनाने हैं आपने. ठीक है, यानी आपने पहले अपना स्टैंड आउट किया, अपनी यानी निकाली हैं अपने कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको स्टैंड आउट करने में मदद देती हैं. फिर उसने री इन्वेंट करने का कहा कि अब अपने आप को उसकी रोशनी में री इन्वेंट करें, रीडिज़ाइन करें अपने आप को. और जब आपने कर लिया रीडिज़ाइन और आप वाकई एक तरह नई आपकी शक्ल बन गई, तो अब इससे आपने पैसे कैसे कमाने, ये उसका तीसरा सब्जेक्ट है. तो आप पैसे कमाएं या ना कमाएं, दे ऑल थ्री, तीनों किताबें बड़ी अच्छी किताबें हैं उसकी. लेकिन री इन्वेंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा नहीं है सिर्फ, ये सारी दुनिया में. देखिए 2009 में जब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और घर लोगों के मॉर्गेज वाले उनके गायब हो गए और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवरनाइट गायब हो गए और सारा कुछ हो गया, जिसको वो कहते हैं ना इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया. ठीक है जी, कंपनियां बंद हो गई, लोग सड़कों पे आ गए, खाने पीने को नहीं रहा, जॉब्स चली गई, हज़ारों के हिसाब से जॉब्स ख़त्म हो गई. जितना लिटरेचर उस दौर में आया है ना, उसमें एक ही गुफ्तगू होती थी, घर बैठ गए, जॉब चली गई है, अगली जॉब अभी नहीं मिली, फारिग बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं फारिग बैठ के, कोई नया स्किल ही सीख लें, कुछ सीख लें, कोई काम कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है. चाहे आपकी जॉब मैनेजर की थी, आप कारपेंट्री सीखना चाह रहे हैं वही सीख लें यार, आपका बचपन से शौक था आपने वायलिन बजाना सीखना था वही सीख लें, कुछ कर लें, कोई स्किल सीख लें. और इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये थी कि वो उस वजह से दे वॉन्टेड टू टेक पीपल आउट ऑफ डिप्रेशन, कि नौकरी तो चली गई है, अब घर बैठ बैठ के कुड़ने से फ़ायदा तो कोई नहीं है, तो बेहतर ये कि कुछ कर लें जो आपको अच्छा लगे वो कर लें, स्किल भी आ जाएगा, शायद कहीं काम ही आ जाए कल को आपके, किसी जगह कोई उसकी ज़रूरत पड़ जाए. सो ये री इन्वेंटिंग का कॉन्सेप्ट है. देखिए मैं जिस जनरेशन से हूँ, ज़ाहिर है हमारे पास तो ना मोबाइल फ़ोन था ना कंप्यूटर था, बल्कि कंप्यूटर पहले आया, मोबाइल फ़ोन बाद में आया. जो मैंने पहला कंप्यूटर ख़रीदा ना डेस्कटॉप घर के लिए, तो जिन साहब से लिया था वो उन्होंने कहा कि जी ये मैंने इसमें बहुत बड़ी हार्ड डिस्क डाल दी है, नई आई है अभी, और 1 GB की मैंने हार्ड डिस्क डाल दी है इसमें, 1 GB. अरे सारी उम्र नहीं मुकनी, फीस सेंटर से मैंने ख़रीदा था वो सारी उम्र नहीं मुकनी थी. और अब वो 1 GB की बजाय 1000 GB और 1000 GB की बजाय 1,000,000 GB और पता नहीं किधर GB चली गई हैं अब तो, GB से बेचारी बेइज्जत हो गई हैं अब तो. सो दैट्स हाउ थिंग्स चेंज, यू नो. सो अगर मैं उस जनरेशन के हिसाब से सोचूं, तो फिर मुझे तो बहुत पहले फौत हो जाना चाहिए था या गुम हो जाना चाहिए था कहीं पे, इफ़ आई डोंट रीडिज़ाइन माई सेल्फ, तो नहीं हो सकता था. सिमिलरली इसकी दूसरी इससे भी बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर टेक्नोलॉजिकल चैलेंज नहीं भी है, तो आप फ़र्ज़ कीजिए आप एक पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आप उससे अगली सीनियर पोजीशन पे चले जाते हैं, तो जो तौर तरीके आपके पहली जॉब पे थे वो अगली सीनियर पोजीशन पे नहीं चल सकते. ठीक है, वो वहाँ काम नहीं आएंगे. अभी मार्शल गोल्डस्मिथ की किताब आई है ना, जिसको बड़ा बड़ा उसका टाइटल ही उसने ये रखा है, वॉट गॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर, कि जो हथकंडे इस्तेमाल करके अब यहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे इससे आगे. अब यू हैव टू चेंज, अभी इट इज़ ए गिवन, ये करना ही करना है, ये तो री इन्वेंट तो करना ही करना है, रीडिज़ाइन तो करना ही करना है. ठीक है, हो सकता है आपकी जॉब चेंज ही हो जाए, आप किसी और काम में निकल जाएँ, हो सकता है आप जॉब छोड़ के अपना बिजनेस ही शुरू कर दें, हो सकता है आप अपनी एक जॉब छोड़ के टोटली कोई डिफरेंट काम शुरू कर दें जाके, और करते हैं लोग. ठीक है, तो कैसे करेंगे अगर वो अपने आप को रीडिज़ाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, तो कैसे करेंगे. लेकिन हम ये कहते हैं कि जब मुसीबत पड़ेगी तो फिर सोचेंगे, हम उस मुसीबत को अवॉइड करने के लिए रीडिज़ाइन नहीं करते अपने आप को. मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि बजाय उस मुसीबत का इंतज़ार करने के, अगर आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली रीडिज़ाइन करते रहें एवरी 3 to 5 years, तो फिर आप हमेशा करंट रहेंगे. और ख़ास तौर पे जो मैं तो खैर आई एम
already, you know, gone past, you know. But the middle-aged log hain, khas taur pe, jo abhi jobs mein hain, jinke aage abhi they are looking at 15-20 saal aur unhone kaam karna hai, unke peeche millennials aa rahe hain, jo abhi workforce mein aa rahe hain. आ रहे हैं ना, जाहिर है जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ था अब माशाल्लाह 19 साल का हो गया है ना वो, या जो 1995 में हुआ था वो आ गया जॉब में ऑलरेडी, वो तो ये जो 2000 वाला ये और दो तीन साल में आ जाएगा, तो आपका और उसका तो इंटरेक्शन ही नहीं हो सकेगा. वो अलग प्लैनेट पे होगा, आप अलग प्लैनेट पे होंगे कहीं पर. तो रीडिज़ाइन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप करंट रहें और रेलिवेंट रहें, ये दो लफ्ज़ अगर आप याद रखें कि आप करंट रहें और रेलेवेंट रहें, वरना आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे. वो कहेंगे बाबा जी को कहीं छोड़ आओ भाई, नहीं चाहिए हमें ये. वो बाबा होने के लिए कोई उम्र 60 साल होना ज़रूरी नहीं है, बाबा बंदा 30 साल की उम्र में भी हो जाता है ज़हनी तौर पे. ठीक है, सो रीडिज़ाइन करना और री इन्वेंट करना. मैंने कहा ना, मैंने इसको किया है, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ. मैंने मल्टीपल जॉब्स किए हैं फार्मास्यूटिकल में. आई स्टार्टेड इन सेल्स, फिर मुझे मार्केटिंग में डाल दिया उन्होंने तो मैं मार्केटिंग में चला गया. फिर उन्होंने मुझे वन फाइन मॉर्निंग प्रोक्योरमेंट में डाल दिया तो मैं प्रोक्योरमेंट करने लग गया. अब ये टोटली डिफरेंट जॉब्स थी, इनका आपस में कोई वास्ता नहीं था. इनका सेल्स मार्केटिंग का तो था, इनका कोई नहीं था आपस में. बिजनेस डेवलपमेंट में डाल दिया, मैं बिजनेस डेवलपमेंट में चला गया. फिर मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में चला गया. फिर मैं रेगुलेटरी में चला गया. फिर मैं एक वक्त में मेडिकल अफेयर्स भी करता रहा. आई एम नॉट ए डॉक्टर जी. और फिर मैं प्लांट ऑपरेशन भी हैंडल करता और कर रहा हूँ कई साल से. अब ये टोटली डाइवर्स चीज़ें हैं. और अगर मैं अपने आप को रीडिज़ाइन ना करने की सलाहियत रखूँ या ना करूँ, आई रिफ्यूज़ कि मैं तो रीडिज़ाइन नहीं करूँगा जी, मैंने जो काम 50 साल पहले सीखा था मैं तो उसी तरीके से काम चलाऊँगा, तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट. आई विल बी टोटली इररेलेवेंट, टोटली. सो रीडिज़ाइन करना अपने आप को कॉन्स्टेंटली ज़रूरी है. तीन मैंने आपसे बातें कही हैं. वी हैव टेकन प्लेंटी ऑफ टाइम. थैंक यू सो वेरी मच फॉर यू वेरी. आपने बहुत तसल्ली से और इत्मीनान से सुना. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कीजिए, 3 से 5 आइडियली, लेकिन एक भी कर लें तो बहुत बड़ी बात. और उसी को यूटिलाइज करना शुरू कीजिए. अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कीजिए, उनको यूज़ कीजिए और उनको यूज़ करने के तरीके और बहाने ढूंढिए. ठीक है. दूसरा मैंने आपसे ये कहा है कि अपनी अप्रोच चेंज कीजिए और आउटसाइड इन कीजिए. बाहर को पहले रखिए, अपने आप को बाद में रखिए. ठीक है. अपने आप इम्पॉर्टेंट हैं, रहेंगे हमेशा, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई मसला नहीं है. आपकी इज्जत में, आपकी वक़्त में कोई कमी नहीं हो जाएगी, बड़ी शायद ज़्यादती हो जाएगी, उससे इजाफा ही हो जाएगा उससे, लेकिन उसको पहले रखें, अपने आप को बाद में रखें. और तीसरा मैंने आपसे ये कहा है कि एवरी 3 to 5 years, और ये अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी उसमें तो चेंज ही नहीं आई ना, 50 साल एक ही हालात चल रहे थे, सारे साइकिल ही चला रहे थे या पैदल ही चल रहे थे. ठीक है ना. जिस दौर में मेरे, जो मेरे पिछले 60 साल हैं, उसमें बेशुमार चेंजेस आ गई हैं, टेक्नोलॉजी की, सोशली, बेशुमार तरह की चेंजेस आ गई हैं. अब मैं ये कहूँ कि जी मैं तो 2 रुपये किलो गोश्त लाया करता था, तो अब तो ये 1500 रुपये किलो है, तो ये तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तो ये तो नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस गुफ्तगू का. सो रीडिज़ाइन करना एवरी 3 to 5 years ज़रूरी है, ताकि आप करंट रहें और रेलिवेंट रहें. थैंक यू सो वेरी मच. आई एम वेरी ग्रेटफुल अगेन. आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का.